नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पूरे भारत में मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगी, पूरे भारत की बात करूंगी, जहां दिवाली की धूम है, रोशनी से सराबोर है पूरा भारत। वहां बात करूंगी लखनऊ की। अब तो लखनऊ में हर तरफ आप देखोगे साज सज्जा लगी हुई है, जहाँ पर हर तरफ लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। आज छुट्टियाँ भी बोल दी गई हैं कुछ कार्यालयों में, पूजा करने के बाद समाप्ति हुई है। 5 दिवसीय हमारा कार्यक्रम, यानी कि 5 दिवसीय त्यौहार अब शुरू हो रहा है आज धनतेरस से। माँ लक्ष्मी कृपा आप पे बनी रहे। आज हम भारत के प्रांगण में हैं, भारत एकेडमी के प्रांगण में हैं, और संचालक रजत सक्सेना जी हमारे साथ हैं। इस दिवाली क्या वो खास कर है, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से दिवाली हम मनाएं और किस तरह से दिवाली वो मनाते हैं, ये भी जाने। सर आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। इस बार किस तरह से दिवाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोगी हों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। सबसे पहले तो आज आपका भारत एकेडमी प्रांगण में हंगामा टाइम्स का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप उपस्थित हुए। जैसा कि मालूम है कि 31 और 1 तारीख को दिवाली मनाई जाने वाली है, सबसे पहले भारत एकेडमी परिवार अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को, विशेषकर अपने प्रिय अभिभावक और अपने छोटे छोटे छात्र छात्राओं को और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को भारत एकेडमी परिवार हार्दिक शुभकामनाएं देता है दिवाली की, और उनके मंगल कामना करता है कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से उनका त्यौहार हो। मेरा विशेष भाव ये रहता है कि मेरी वजह से किसी की दिवाली अच्छी हो पाए, ये भाव लेके हम आगे चलते हैं और अपनी क्षमता अनुसार जो भी हो पाता है वो करते हैं, प्रयास करते हैं। सुबह से कैसे तैयारियां रहती हैं? आप बच्चे तब आपके बच्चे हैं तो किस तरह से तैयारियाँ रहती हैं? और उस प्रांगण में इतने सारे बच्चे हैं, उन बीच में बताऊँगी इतने सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ किस तरह से आप जब छोटे थे, कुछ यादें हैं सर दिवाली की? कल हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिलकर रंगोली का कार्यक्रम और रंगोली बनाई है। सभी का इसमें सहयोग रहता है, टीचर्स का मार्गदर्शन रहता है, बच्चों में जोश रहता है और उस वो सामने आपके है, बाहर रंगोली है और बहुत ही अच्छी बच्चों ने, फिर उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। प्रयास ये रहता है कि हर बच्चा जागरूक रहे और एक अच्छे से त्यौहार को मनाए। क्यों मनाया जाता है इसको भी जानकारी उनको होनी चाहिए और अपने साथ साथ कम से कम दो घर इधर उधर वालों के भी त्यौहार की जिम्मेदारी हम लें और उनके त्यौहार को भी अच्छा मनाएं, केवल अपने सुख में ही ना रहें। अगर सबसे मेन तो ये होता है कि अगर हम किसी को सुख देते हैं तो वो जो सुख हमको प्राप्त होता है वही स्थायी सुख होता है, वरना तो अपने सुख के लिए तो सभी कामना करते हैं, तो एक विशेष रहता है। और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे हनुमान जी महाराज का जैसा मार्गदर्शन, जैसी दिशा दिशा प्रेरित करते हैं, वैसी सारी चीज़ें होने लगती हैं। आप कैसी तैयारी करते हैं जब सुबह उठते हैं, अब पता होता है कि दिवाली है, तो किस तरह से दिनचर्या रहती है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? विशेषकर हमारा दिवाली के दिन 31 तारीख है, 1 तारीख को। इस बार का हमारा जो आयोजन है वो इंटरनल है, 108 हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे और हनुमान जी शक्ति देंगे कि उसको 10 से 12 घंटे लगभग लग जाते हैं, तो अखंड पाठ होता है। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना रहेगी कि वो सबसे पहले तो हमको इतनी क्षमता प्रदान करें कि हम उस पाठ को कर पाएँ, और उसके बाद फिर जैसे कि सभी त्यौहार में जो भी चीज़ें होती हैं, त्यौहार की जो पूजा करी जाती है वो करी जाएगी और सब लोगों को जो है उसमें फिर आमंत्रित भी किया जाता है, गेस्ट आते हैं और सबके संग मिलके दिवाली का त्यौहार। संदेश देंगे, दिवाली दीपों का त्यौहार है, इसे पटाखे जिस तरह पॉल्यूशन फैलता है दूसरे दिन, तो कैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पॉल्यूशन का जो मेरा सोचना है वो एक दिन से ऐसा पॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं आने वाला है, बहुत सी चीज़ों से पॉल्यूशन फैल रहा है, गाड़ियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या, उस पे रोक लग नहीं सकती, वो पोल्यूशन तो है ही है। एसी लगे हुए हैं वो भी पोल्यूट करते हैं,
तो आई थिंक एक फेस्टिवल है, तो अब इसमें अगर हम पटाखों को रोकते हैं या उनको बोलते हैं कि नहीं करें, तो कई लोगों का रोज़गार भी अफेक्ट होता है इस चीज़ से। और फिर त्यौहार में एक खुशी का जो माहौल है, जब आसमान में रोशनी होती है कि आसमान में रोशनी दिए हम तो नहीं कर सकते जाके, सिर्फ पटाखे ही कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार दिए भी जलाएं, पटाखे भी जलाएं, बस ये सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें कि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई घायल ना होने पाए, और दूसरों को जलाने के लिए पटाखे ना जलाएं, मनोरंजन के लिए जलाएं, जो नहीं जला रहे हैं उनको भी आमंत्रित करें, उनके साथ मिलकर जलाएं। बचपन में आपने किया है कि मेरे दोस्त ने बहुत बड़ा बम या बहुत आवाज़ आई, अपने फादर के साथ शॉपिंग करना पटाखों की, ऐसा है कुछ? नहीं रहा कभी कुछ। पिता के साथ सर जाते थे शॉपिंग करने दिवाली की? हाँ जाते थे उस समय की शॉपिंग के अकॉर्डिंग जो भी शॉपिंग हो पाती थी करी जाती थी। क्या लेके आते, दिए पटाखे कुछ लाए हैं आप उनके साथ? पटाखे थोड़े बहुत लाते थे, अपनी क्षमता के अनुसार ले आ पाते थे वो ले आते थे। अब सर अब बच्चों के साथ अब बच्चे लाते हैं अपना करते हैं। तो सर इस समय जो भारत एकेडमी के बच्चे भी देख रहे होंगे आपको, और जो और जनता देख रही, किस तरह से विश करते हैं उनको दिवाली, और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देते हैं सर? आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी त्यौहार को बहुत ही सुरक्षा से मनाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। मेन चीज़ ये है कि सब एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। हमारा देश, हमारे भारत की जो एकता अखंडता है वो कहीं भी जो है वो विचलित नहीं होनी चाहिए। सब एक दूसरे की भावनाओं का अगर ध्यान रखेंगे मेरे ख्याल से, तो एक हर त्यौहार चाहे किसी भी धर्म मजहब पंथ संप्रदाय का हो अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। केवल वैचारिक मतभेद के कारण जो भी चीज़ें आजकल होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, और एकता बनी रहनी चाहिए, अपनी विचारधारा दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए। यही आजकल मतभेद होता है फिर मनभेद हो जाता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी भारत एकेडमी परिवार की तरफ से भी और हंगामा टाइम्स की परिवार की तरफ से कि खुशी अगर आप मना रहे हो तो अच्छे से खुशी मनाएं, किसी को दिखाने के जलाने के लिए कुछ नहीं करना है। खुशियों का त्यौहार है और बड़े भाग्य से मिलता है हर फेस्टिवल आपको, तो इस समय हम दोनों की तरफ से आप सभी को सर हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पत्रकारिता के स्तंभ की ऊँचाइयों को छुएं।